आप कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं, क्योंकि आज भी इतने लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ है। तो मुझे उन सब लोगों से एक सवाल है कि फिर वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? औरत की लंबी जुबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? है कोई जवाब उनके पास? आज भी इतने लोग हैं जो 21 साल तक टीवी, सोफा, बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन नहीं खरीदते। आपको पता है क्यों? मैं बताती हूँ, क्योंकि वो अपने बेटों की शादी का इंतजार करते हैं। और हम कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है। एक फेसबुक के CEO ज़करबर्ग ने अपनी बेटी के पैदा होते ही अपनी 99% दौलत दान कर दी, और यहाँ बाप अपने दहेज का पैसा जोड़ने के लिए तो अपनी गंजी भी पहनना छोड़ देता है। अजीब रिवाज है हमारे मुल्क का, नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों की निकलवाते हैं, और हम कहते हैं अपना देश बहुत आगे बढ़ गया। अरे बहन बेटी को तो छोड़िए, लोग तो अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ को भूल जाते हैं, उनका बंटवारा कर लेते हैं। अगर मैं माँ के बलिदानों पर बात करूँ तो रात हो जाएगी, लेकिन दो शब्द जरूर कहूंगी उन बेटों के लिए जिन्हें माँ का मतलब नहीं पता। किसी रात को सबके खाने के बाद एक दिन रसोई में अपना खाना खुद ढूंढो, माँ क्या होती है समझ जाओगे। माँ तो वो भगवान है जिसे बुखार भी हो जाए और उसके बेटे को पता चले तो पता है क्या कहेगी? कि बेटा खाना बना रही थी ना, इसलिए गर्म हूँ। अब हमें पुराने रीति रिवाज को तोड़कर आगे बढ़ना होगा और ऐसा कर गुजरना होगा कि हर माँ हर बाप ये कहे कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है और अगले जन्म में मुझे बेटी ही चाहिए। एंड आई थिंक वुमेन आर फूलिश टू थिंक दैट दे आर इक्वल टू मैन बिकॉज दे आर फार सुपीरियर देन मैन एंड हैव ऑलवेज बीन। थैंक यू।